हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अच्छा पिले माने, आमे लास्ट क्लास रे कौन पढ़ीथिले? आमे लास्ट क्लास रे हाउ क्लेवर स्मॉल चिल्ड्रन आर पढ़ीथिले, छोटो पिले माने किपरी चतुर आमे ता पढ़ीथिले पिले। तो आज पिले माने आमे न्यू टॉपिक पढ़ीबा। टॉपिक नेम होची ग्रास होपर। हला ग्रास होपर तार मीनिंग होची पिले झिंटिका। झिंटिका होची ग्रास होपर। अच्छा पिले माने, समस्त झिंटिका देखी छ ना? समस्त तो झिंटिका देखी थी वो। हला तो आज हमें ग्रास होपर पढ़ीबा। देखो पढ़ीबा पूर्व फास्ट हमें पिक्चर को देखिबा। पिक्चर देखो तुम पर एक सांगटी छोटो झियोटी से कौन करुची पिले पढ़ुची पाठ। एठी ता पाखरे बहुत ग्रास होपर अछंती, माने बहुत झिंटिका अछंती। हला देखिबा कौन टॉपिक रे अछि। देखो पिले एक नंबर पाराग्राफ देखो, देयर लिव्ड ए मदर ए फादर एंड देयर डॉटर इन ए टाउन। माने गोटे टाउन रे, माने एक शहर रे, टाउन माने पिले शहर, एक टाउन रे जने माँ बापा एवं तांकर छोटो झियोटी रहुचंती बा वास करुचंती। देयर लिव्ड ए मदर ए फादर एंड देयर डॉटर इन ए टाउन। गोटे शहर रे जने माँ जने बापा एवं सेमानकर झियो वास करुथले। डॉटर माने पिले हुची झियो। द डॉटर वाज स्टडिंग इन क्लास थ्री। माने से जो झियोटी, ए जो झियोटी से कौन करुथला पिला, से तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुला। क्लास थर्ड माने क्लास थ्री रे से पाठ पढ़ुला, माने तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुला। कौटी पिले टाउन रे, माने एक शहर रे। वन डे दे वेंट टू देयर विलेज। से माने कौन कले, दिने से माने से मानको गाँ को गले। हला से मानको घर ओरिजिनल से माने गाँ रे, किंतु से माने शहर रे रहउचंती। एमिति नाय कि पिले गाँ रे घर शहर रे टाउन रे रहिबे, टाउन रे पाठ पढ़िबे। सेही भले भाव रे एक बापा माँ तांको झियो तांको घर एक्चुअल गाँ रे, किंतु से माने शहर रे पाठ पढ़ुथिले आउ से माने गाँ को बुलिबाको आसीथिले। द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी। से जो तांको गाँ ना, से गाँ रे हैड नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी माने होची विद्युत। हला विद्युत संजोग नथिला, माने से गाँव रे कहार करंट नाही, कारो विद्युत नाही। इलेक्ट्रिसिटी नो इलेक्ट्रिसिटी, केही भी विद्युत संजोग होइ नथिला तांको गाँव रे। इन द इवनिंग दिने संध्या रे, द ओनली लाइट दे हेड वाज ए किरोसिन लैंटर्न। माने कौन होची संध्या बेले, इन द इवनिंग एक संध्या बेले, द ओनली लाइट दे हेड वाज ए किरोसिन। माने तांकर करेन्ट नथिला, से कौन करथिले, से जो किरोसिन जाळ, माने किरोसिन रे लंठन जाळुथिले। लंठन होची, लंठन होची पिले जो लंठन, एटा कोआ जाय लंठन। किरोसिन, किरोसिन देले सेटा जळिबो ना, किरोसिन न देले सेटा केमिति जळिबो? किरोसिन देले देयासिन लगेले से जळिबो। तो ए जो माने ए लंठन ए बत्ती द्वारा से माने चळुथले। संध्या हबो माने तांको गाँव रे करेन्ट नथिला, से यारी माध्यम रे से माने चळुथले। द लंठन वाज प्लेस्ड इन द बारंडा। लंठनटी कौन थिला, बारंडा रे थुआ होइथिला। देखो ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ପିଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଘରେ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ସ୍କୁଲରେ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରଣ୍ଡା। ତ ଲଣ୍ଠନଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଗ୍ରାସହପର୍ସ ୱେର୍ ମୁଭିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଲଣ୍ଠନ। ମାନେ ଅନେକ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ପିଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଗ୍ରାସହପର୍ସ କିଛି ଗ୍ରାସହପର୍ସ ମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା, ୱେର୍ ମୁଭିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଏ ଲଣ୍ଠନ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲଣ୍ଠନ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିଲେ। କିଏ, ଅନେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଗ୍ରାସହପର୍ସ, ମାନେ କିଛି ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ହେଲା ଦ ଡକ୍ଟର ପଏଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସହପର୍ asked his father, what is this father? The doctor pointing to a green grasshopper। ei jo doctor mane ei jioti pointing mane anguli dekheba, pointing mane pile kono anguli dekheba, anguli dekhei kori jhinti kaad ko anguli dekhei kori kahila, papa eita kono? asked his father, asked mane pile pochariba, ask
ए एस के आस्क मैंने पचारे आस्क पास आस्क आस्क दिस फादर व्हाट इज दिस फादर बापा एटा कौन माने कहा को माने झिंटी काड़ी के आंगुल देख कहला बापा एटा कौन दिस इज ए ग्रास ओपर दिस इज ए ग्रास ओपर यह हूँ एक झिंटिका रिप्लाइड द फादर बापा उत्तर देले यह हूँ झिंटिका द डॉक्टर आस्क्ड अगेन झीटी पुणी पचारा एगेन माने आउ थरे पुणी हैला पुणी पचारा व्हाई इज इट कॉल्ड ए ग्रास ओपर कौन पाई एहा को ग्रास ओपर कहा जाए पापा ए ग्रास ओपर को कौन पाई कहा जाए तापरे सेकंड पैराग्राफ देखो आफ्टर वीक्स डे अच्छा से जो क्वेश्चन कला तो बापा को बापा एटा कौन पाई ग्रास ओपर कहा जाए बापा रिप्लाय देना कहीं एटा कौन रिप्लाय रिप्लाय दे एटाक ग्रास ओपर मैंने झिंटिका बोली कहीं रिप्लाय से देना से झीटी बापा बुझल पे फास्ट पाराग्राफ्टा बुझीपार एवं सेकेंड पाराग्राफ को आस आ कठिन शब्द मुझे कौच समस्ते नोट कर दि सेकेंड पाराग्राफ देख आफ्टर विक्स स्टे इन द विलेज दे केम बैक टू द टाउन व्वेर दे लिव्ड बुझीपारे पे आफ्टर विक्स स्टे मैंने एक सप्ताह रहणी पर आफ्टर विक्स माने एक सप्ताह रहिले तापर से माने कौट रहिले विलेज रहिले तापर से माने कौटी की फेरी आसले से जो टाउन रे रहुथले से टाउन को फेरी आसले कैम बैक माने फेरी आसले टू द टाउन व्वेर दे लिव्ड जोटी से माने बास करुथले टाउन रे सेठी से माने फेरी आसले वन डे द डॉक्टर केम रनिंग टू हर मदर एंड सेड वन डे माने पिले दिने दिने द डॉक्टर माने से जो झीटी केम रनिंग माँ पाखकु दौड़ी दौड़ी आसला केम आसला रनिंग माने दौड़ी दौड़ी आसला टू हर मदर ता माँ पाखकु एंड सेड एंड कहिला मदर मदर कम माँ आस देयर इज ए हाउस होपर देयर इज ए हाउस होपर मदर वेंट इनसाइड माँ भीतर को गले मदर मदर वेंट इनसाइड द रूम माँ रूम भीतर गले एंड स देखिले ए वांटेड कॉकरोच जंपिंग अप एंड डाउन ऑन द फ्लोर एक असरपा माने खंडिया खाबरा हुईथिबा एक असरपा चट्टान ऊपर पड़ी छटफट होला वांटेड माने हूँ बोले क्षत विक्षत वांटेड माने हूँ क्षत विक्षत कॉकरोच मैंने तो आम पढ़ी लास्ट क्लास रे जो राजू इन द रेस्टोरेंट कॉकरोचेस मैंने असरपा एक असरपा देख पे पिक्चर को समस्त लक्ष्य कर एक असरपा क्षत विक्षत मानने असरपा कौन कर मानने तले पड़ी छटपट हो जंपिंग अप मानने ऊपर तल तल ऊपर मानने पड़ी छटपट हो जंपिंग अप एंड डाउन माने तल ऊपर छटपट होन द फ्लोर फ्लोर माने पिले चट्टाण यो सब चट्टाण से पड़ी रही सी सेड दिस इज नॉट ए हाउस ओपर सी माने पिले मदर माने ये डॉक्टर रो माँ ए मदर कौन कहले दिस इज नॉट ए हाउस ओपर यह हाउस ओपर नुहे दिस इज ए कॉकरोच यह हूँ कौन कॉकरोच माने असरपा यू डोंट नो तुम्हें जानी ना हो कहा को कहुची मदर कहुचंती कहा को तांको झियो को माने डॉक्टर को यू डोंट नो तुम्हें जानी ना हो द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रास ओपर एंड ए कॉकरोच तुम्हें जानी ना हो जे एहा एक कॉकरोच आउ आमर कॉकरोच होची असरपा आउ ग्रास ओपर झिंटिका भितरे डिफरेंस माने तारो विभिन्नता तुम्हें जाणिना माने तो जो फरक जोटा कह माने तुम्हें तार फरक जाणिना ताहा असरपा किंबा आमर हाउस होपर झिटिका तार फरक तुम्हें जाणिना गड हैला बट द डॉक्टर सेड किंतु झियो कहिला नो दिस इज ए ग्रास होपर मम्मी नामा दिस इज नो दिस इज ए ग्रास ओपर यह ग्रास ओपर नुहे
ବୁଝିଲ ପିଲେ? ମାନେ ଗ୍ରାସ ଓଭର ନୁହେଁ ମମି, ଇଟ୍ ହୁପ୍ସ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଏ ହାଉସ୍ ଉପରେ ସେ ଡେଉଁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ହାଉସ୍ ଓଭର। ସେ ତା'ର ଜାଣିନାହିଁ ଗ୍ରାସ ଓଭର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହାଉସ୍ ଓଭର ତ କିଛି ବି ନୁହଁ ହେଲା। ସେ ଝିଅ କହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଘାସ, ଗ୍ରାସ ମାନେ ହେଉଛି ଘାସ, ଘାସ ଉପରେ ସେ ଡେଉଁଛି, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘାସ ଗ୍ରାସ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ସେ ଗ୍ରାସ ଓଭର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଡେଉଁଛି ସେ ହାଉସ୍ ଓଭର। ଛୋଟ ଝିଅଟି ନା, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଏତେ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ହାଉସ୍ ଓଭର କହୁଛି। ବଟ୍ ଦ ମଦର ଇନ୍ସିଷ୍ଟେଡ୍, ଇନ୍ସିଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ପିଲେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିବା, କିନ୍ତୁ ମା ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଲେ, ନୋ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କକ୍ରୋଚ୍, ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସରପା, ନଟ୍ ଏ ଗ୍ରାସ୍ ଓଭର, ଏହା ଗ୍ରାସ୍ ଓଭର ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଦ ଡଟର୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍, ପୁଣି ଝିଅ କ'ଣ କଲା, ଆର୍ଗ୍ୟୁ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍, ଯୁକ୍ତି କଲା, ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଦେଟ୍ ହୋପ୍ସ ଅନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଗ୍ରାସ୍ ଓଭର, ଯଦି ଜଣେ ଘାସ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗ୍ରାସ୍ ଓଭର, ଗ୍ରାସ୍ ଉପରେ ଡେଉଁଛି, ଘାସ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଡେଉଁଛି ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରାସ୍ ଓଭର। ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଟ୍ ହୋପ୍ସ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ବି କଲ୍ଡ ଏ ହାଉସ୍ ଓଭର, ଯଦି ସେ ଘାସ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ ଉପର କହିପାରିବା, ଆଉ ସେ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ଆମେ ତାକୁ ହାଉସ୍ ଉପର କାହିଁକି କହିପାରିବାନି? ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ଡେଉଁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ହାଉସ୍ ଉପର କୁହାଯାଇପାରିବନି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଝିଅଟି ତା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କଲା, ମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲା, ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାସ ଉପର ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା, କକ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅସରପା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ଯାଇଥିଲେ ଝିଅଟି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କାହାକୁ, ଗ୍ରାସ ଉପରକୁ। ବଟ୍ ଟାଉନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟାଉନକୁ ଆସିକି ସେ ଘରେ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏକ କକ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି, ତ ସେ ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା କି ଯଦି ଜଣେ ଘାସ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ସେ ଯଦି ଗ୍ରାସ ଉପରେ ହେଇପାରିଲା, ଯଦି ହାଉସ୍ ଉପରେ ଡେଉଁଛି ସେ ହାଉସ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ମାନେ ଝିଅଟିର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା, ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତ ଗ୍ରାସ ଉପର ମାନେ ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା, ସେ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଡେଇଁଲେ ବି ସେ ଗ୍ରାସ ଉପର, ସେ ଗ୍ରାସ ଘାସ ଉପରେ ଡେଇଁଲେ ବି ଗ୍ରାସ ଉପର, ତାର ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗ୍ରାସ ଉପର ମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା, ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୋରିଟି? ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଫର୍ ଟିଚର। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫର୍ ଟିଚର, ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଦେଖ ପିଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ ଅଛି, ସେସନ୍ ଟୁ ଅଛି, ଫାଇଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡଟର୍ ଷ୍ଟଡିଂ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା? ଆମେ ତ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ନା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ଦ ଡଟର୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ, ଦ ଡଟର୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଇନ୍ସେକ୍ଟ ମାନେ ପିଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଇନ୍ସେକ୍ଟମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରାସ ଉପର ଥିଲା ନା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରାସ ଉପର, ଜି ଆର୍ ଏ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଓ ପି ପି ଇ ଆର୍, ଗ୍ରାସ ଉପର। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଇଜ୍ ଦ ଡଟର୍ କ୍ଲେଭର, ଝିଅଟି ଚତୁର ଥିଲା କି? ୟେସ୍, ଝିଅଟି ଚତୁର ଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ, ୟେସ୍ ଦ ଡଟର୍ ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଡିଡ୍ ଦ ମଦର ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମା ଜାଣିଥିଲେ କି? ମା ଜାଣିନଥିଲେ ନା। ନୋ, ଦ ମଦର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ।
कौ घटना पिले डिड द मदर नो अबाउट द इवेंट इन द विलेज माने से कहे कि घटना विषय माँ जानी कि कौ घटना पिले जेते बड़े से माने गाँ को जाते जो संध्यारे से जो झीओटी जेते बड़े पढ़ूला माने से जो बारंडारे पढ़ूला लंठन धरिकी सेते बड़े जो सब आसिले इनसेक्ट्स माने ग्रास ऑपर जो आसिले सेते बड़े ता बापा कहिथिले झीओ को एटा ग्रास ऑपर बोली जो घटनाटा माँ जानी कि नेक्स्ट जेते बड़े से टाउन को आसिला सेते बड़े से माँ को पचारिला एटा कौन बोली कॉकरोच को से हाउस ऑपर बोली कहिला एक माँ का सहित झीओर डिस्कसन होता किंतु संध्यारे से जो झीओ फर्स्ट पाराग्राफ देख से झीओ बाता निज बापा सहित कथा एक घटना ता माँ जाणी नथिला तो आंसर कौन लिखे एवरे पिले नो द मदर डिड नॉट नो अबाउट द इवेंट इन द विलेज बुझल पिले तापरे सेशन थ्री देखो सेशन थ्री पढ़वा बी रे कौन देखी देखो स्टेटेड बिलो व्हाट द मदर एंड फादर टॉक अबाउट देयर डॉटर रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द गैप्स से जो पिले राजू एंड द रोस्टर पढ़ी से भाव एटी कौन करवा झीओ विषय तार बापा माँ कथबार्ता हो माने स्वामी स्त्री कथबार्ता होती क्या विषय झीओ विषय कौन हो कथबार्ता होती कौन कथबार्ता हो देखा आर फिलअप करवा डू यू नो व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग तुम्हें जानिछ कि से दिन सका कौन घटना घटी माने एक किए कौच माने ता माँ तार बापा को कहते माने से झीओर माँ ता बापा को कहते डू यू नो तुम्हें जानिछ कि व्हाट हैपेंड माने कौन घटना घटला दिस मॉर्निंग से दिन सका रीति केम रनिंग टू मी रीति माने पिलाटी किए से जो डॉक्टर नेम होती रीति रीति केम रनिंग टू मी रीति मो पाख को दौड़ी आसला फ्रम द अदर रूम अलग रूम पाखर मो रूम को दौड़ी आसला एंड सेट मत कहला मदर कम ये पिले कौन लिख मदर कम फुल स्टॉप देयर इज ए हाउस हॉपर अच्छा पिले माने एटा जानी पारु छु कि ना मु कोठु करु छी देखो समस्ते सेकंड पाराग्राफ देखो देखो पिले वन डे द डॉटर केम रनिंग टू हर मदर एंड सेड मदर कम देयर इज ए हाउस ऊपर मदर कम देयर इज ए हाउस ऊपर एई जो सेकेंड पाराग्राफ्टा से कौन है क्वेश्चन आकार स्वामी स्त्री कथा माने से जो झीओटी बापा माँ कथा झीओ विषय से झीओर नेम हूँ पिले कौन रीति से जो पाराग्राफ्रे फादर अच्छी मदर अच्छी एटी कौन आई यू सी ये भाव में लिख कहीं से माने स्वामी स्त्री कथबार्ता हो माने से रीतिर से झीओटी बापा माँ कथबार्ता होती कौन लिख पिले रूम एंड सेट कौन लिख मदर कम कमा सॉरी फुल स्टॉप देयर इज ए हाउस होपर तापर कौन हम आई वेंट इनसाइड एंड सॉ ए कौन हम ओंडेड कॉकरोच माने क्षत विक्षत कॉकरोच पड़ी चेपिले समस्ते डिफिकल्ट वर्ड नोट करते सेट देख ओंडेड सेकंड पाराग्राफ भी देख ओंडेड पाइब ओंडेड कॉकरोच होपिंग ऑन द कौन हम ये फ्लोर एफ एल ओ ओ आर फ्लोर हैला तापरे समस्त पिले मार्क करी करी करू था मु जोटी कहि भी आंसर तुम से लिखिबो रीति कॉल्ड दिस ए कौन रीति कॉल कौन को डाकुथिला से झियोटी से जो कॉकरोच को कौन बोली कहुथिला हाउस ओपर कहुथिला तो एटी कौन हबो हाउस ओपर बुझल पिले रीति कॉल दिसे ये हम हाउस हॉपर है बिकेम अच्छा पिले ये बिकेमटा भूल लिखा जाए हम बिकज ये पिले कौन हम बिकज बिकज इट होप ऑन द हाउस
hela because it hoops on the floor sorry on the house tapre the father said sorry pile ethi hobo kon because it hoops on the house because it ethi pile hobo it hoops on the house ethi hoops on the house tapre hobo how foolish riti is tapre hobo she calls a kon cockroach she calls a cockroach a house hopper the father said you don't know riti is not foolish but kon hobo but very creative she is not foolish but very clever hela but very clever she is above to make a new english word she is able to make a new english word tar nua english mane ingraji shabd pai se kono able to make mane taro sakshama achi tiyari kariba pai new english word hela tapare second paragraph dekho but there is no such kon hobo english word in english dictionary said the mother you are right but this is how english words are made this is creativity and our daughter aurat me priti bhi likhi paribo daughter is really very very creative said the father बुझल पिले बुझीपार ना पिले कौटी कौन बस आउ थ देख पिले कहीदी देख पिले माने फर्स्ट तार मदर तार फादर को कहते डू यू नो व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग रीति केम रनिंग टू मी फ्रॉम द अदर रूम एंड सेड तुम्हें जाच कि सदन सका कौन है रीति मो पाख को दौड़ी आसला आ गोटे रूम्रु दौड़ी आसला एंड सेड कहला मदर कम देयर इज ए हाउस हॉपर माँ आस एटी गोटे हाउस हॉपर अच्छी आई वेंट इनसाइड एंड सो मु भीतर गली एंड देखिली कौन देखिली ए वांडेड कॉकरोच माने डब्ल्यू ओ यू एन डी ई डी वांडेड कॉकरोच माने क्षत विक्षत असरपा होपिंग ऑन द फ्लोर एट फ्लोर माने चट्टान छटपट हो क्षत विक्षत हुए रीति कॉल्ड दिस ए हाउस हॉपर रीति कॉल्ड कौन है हाउस हॉपर बिकज एट बोले बिकेम हेनी बिकज कौन हम इट हॉप्स ऑन द हाउस बिकज इट हॉप्स ऑन द हाउस हाउ फुलिश रीति इज सी कॉल्स ए कॉकरोच ए हाउस हॉपर तापरे द फादर सेड यू डोंट नो रीति इज नॉट फुलिश बट क्रिएटिव सी इज नॉट फुलिश बट वेरी क्लेवर सी इज एबव टू मेक ए न्यू इंग्लिश वर्ड माने ता बापा कहुचंती ता माँ को कहते तुम्हें आम झील को बका बोली भाव ना से बहुत चालाक आउ तार बहुत क्रिएटिव पावर अच्छी से वार्ड माने डिफरेंट वार्ड नुआ नुआ वार्ड जानापी चाहूँगी तो वार्ड को मिसे सब लेटर को मिसे से नुआ नुआ वार्ड तैयारी चाहूँगी माने जे भाई भाव में घास उपर जो जन डेउंची जब ग्रास उपर कह घर उपर डेउंची से कहीं हाउस उपर नईपर एमतीका से वार्ड न्यू इंग्लिश वार्ड क्रिएट करने चाहूँगी ताने आम झीटी बहुत चालाक बट देयर इज नो सच इंग्लिश वार्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी ये भाव में इंग्लिश डिक्शनरी वार्ड ना सेड द मदर माँ कहले यू आर राइट तुम्हें ठीक कही बट दिस इज हाउ इंग्लिश वर्ड्स आर मेड दिस इज क्रिएटिविटी एंड आवर डॉटर और प्रीति इज रियली वेरी वेरी क्रिएटिव सेड द फादर माने ता बापा कहले जे
ଆମ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ଆଉ ତା'ର ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଛି। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏକ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେମାନେ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।